कुछ भी मिस नहीं किया, चेंजेस हमने ये किए कि वो स्लॉट में से हमने एक चीज हटा दी ना, स्लॉट में से वो जो था ना दैट्स इट अटरेंस में से, वो दैट्स इट को हमने रिमूव कर दिया क्योंकि वो कह रहा था ये कैंसिल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है दैट्स इट। अच्छा, हमारे पास एक ऑर्डर्स के नाम से है मौजूद और एक कार्ड के नाम से मौजूद है, दो हमारे पास कलेक्शंस मौजूद है। अच्छा, ऑर्डर में तो इस वक्त जीरो है क्योंकि अभी तक एक भी ऑर्डर हमारा लगा नहीं है, और कार्ड के अंदर एक कार्ड मौजूद है क्योंकि मेरी ही ईमेल से सारा कुछ हो रहा है, और आइटम इसमें तीन मौजूद है हमारे कार्ड के अंदर इस वक्त। अच्छा, और ये बिल्ड मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गई होगी, अब तक बिल्ड कंप्लीट हो गई है, अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। ओपन मलिक रेस्टोरेंट, सही है जी, वेलकम टू कबाब जी आ गया। अब हमें क्या करना है, चेकआउट करना है, चेकआउट। अच्छा, इसने मुझे क्या बताया, यू हैव थ्री बीफ कबाब, वन मटन कबाब एंड वन चिकन रेशमी कबाब, प्लीज से यस टू कंफर्म। तो अब मैं इसको कहूंगा कि यस आई एम श्योर, यस तरह की कोई बात कहूंगा, यस आई एम श्योर। ठीक है, यस आई एम श्योर यहां से चला गया, बट मेरी स्किल में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब चल के स्किल में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। अच्छा, स्किल में प्रॉब्लम ये आई है हमारे पास कि कंफर्मेशन में श्योर तो आया है मेरे पास, ठीक है, यस आई एम श्योर बोला मैंने, तो श्योर यहाँ पे उसको मिल गया है, बट हो रहा क्या है कि डेटाबेस का एरर आ गया, नो मैचिंग डॉक्यूमेंट फाउंड फॉर आईडी दिस 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 वर्जन जीरो मॉडिफाइड पाथ। अब ये पता नहीं क्या हुआ। हाँ बोलो, एडमिट कर देता हूँ। कंफर्मेशन ये इफ मेरा ट्रू हो चुका है, और इस इफ के अंदर जो ये इतना काम हुआ है ना, इसके दरमियान में कोई एरर आ गया, तो इसमें हम जरा गौर करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने न्यू ऑर्डर क्रिएट किया और डॉट सेव लगा दिया। अरे थैंक यू सो मच, किसका एक्सीडेंट हो रहा है? अच्छा, तो भाई एरर के मैसेज को जरा हम ना सही से पढ़ते हैं कि ये क्या सीन है। अच्छा, जरा डेटाबेस में देखें तो सही, अपडेट हो गया और उसके बाद एरर दिया या वैसे ही दे दिया? अपडेट नहीं हुआ है, वैसे ही एरर दे दिया। एरर को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहां पर हम आए जनाब और मेरा कार्ड जो है वो प्रिंट हो गया। ये कार्ड किस पॉइंट पे प्रिंट हुआ है? इस पॉइंट पे आके मेरा कार्ड जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है, यूजर कार्ड। अच्छा, कार्ड प्रिंट हुआ है, इसके अंदर ये पूरी चीजें मौजूद हैं, ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये असल में हो रहा ही है, ये मेरे समझ में आ गया क्यों हो रहा है। नो मैचिंग डॉक्यूमेंट फाइंड फॉर दैट 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 आइटम, ईमेल कस्टमर नेम। असल में मेरा जो कार्ड जब आता है ना डेटाबेस से, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट आईडी भी होती है, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, तो उससे इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो
मुझे करना ये होगा कि उसको सेव करवाने से पहले उसकी अंडर स्कोर आईडी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अंडर स्कोर आईडी या तो मैं हटा दूं और पूरा ऑब्जेक्ट रखूं, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हैंड पिक करके ना मुझे जो जो चीजें चाहिए वो निकाल दूं। तो मेरे ख्याल है हैंड पिक करके हम एक एक करके निकालते हैं फिर रखवा देते हैं, ये ज्यादा सही तरीका रहेगा। अच्छा, मैं जस्ट एक मिनट जरा देखूं कि मैंने ये काम अभी रिसेंटली मैंने एक दूसरे प्रोजेक्ट में किया है तो मैंने उसमें कैसे किया, मैं वो भी जरा नजर मार लेता हूं। नहीं, MongoDB है ये, तो होस्टिंग फायरबेस पे हुई है इसकी। चेकआउट होगा ना इसमें भी नाम वुमेन बहुत हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए। रिव्यू ऑर्डर यस ये है ना हमारा, ये रिव्यू ऑर्डर यस जो है ये मेरा वो वाला कोड है। अच्छा, मैंने इसमें से ये कार्ड इसी तरह से गेट किया है सेम, और कार्ड गेट करने के बाद मैंने क्या किया, अच्छा मैंने इसमें भी ये हैंड पिक करके निकाल के चीजें रखवाई हुई है, डायरेक्ट मैंने इसमें भी नहीं रखवाया, ठीक है। और ये कार्ट को एम्प्टी इस तरह से करवाया था, तो मैं ये दोनों यहां से कॉपी कर लेता हूँ जब इतना खोल के यहाँ तक आ गया। ये दो तरीके हैं, मतलब ये दोनों लिखा हुआ कोड है और ये चलता हुआ कोड है। अलेक्सा पे नहीं है, वो बना हुआ डायलॉग फ्लो पे है, लेकिन जाहिर है डेटाबेस के ऑपरेशन तो दोनों में सेम ही होंगे ना। डेटाबेस तो MongoDB का जो ऑपरेशन है वो तो चाहे अलेक्सा हो चाहे मोंगो डायलॉग फ्लो कोई भी हो, पीछे के जो ऑपरेशन है वो तो इसी तरह से हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें टेबल नंबर का भी एक उसमें ऑप्शन है कि जो मेरा मतलब चैटबॉट से बंदा बात कर रहा होगा ना जब, तो हमें उसकी टेबल नंबर पता होती है, ठीक है। तो ये टेबल नंबर को हम फिलहाल इसमें से रिमूव कर देते हैं। हमारे केस में क्या है, ईमेल है, ईमेल ईमेल, ठीक है। ईमेल ईमेल के इक्वल हो, आइटम्स को क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना है, और अपसर्ट जो है ट्रू, ठीक है। अपसर्ट ट्रू इस वजह से कि अगर नहीं मौजूद हो तो उसको बना दे, लेकिन मेरे ख्याल है यहाँ पे अपसर्ट की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि जाहिर है जब ऑर्डर वो फाइनल कर रहा है, यस कर रहा है, तो उसका मतलब बना हुआ है, तो इस अपसर्ट को मैं हटा भी सकता हूँ, लेकिन चलो इसको हम फिलहाल रहने देते हैं। अच्छा, और मैंने क्या कहा, ऑर्डर मॉडल इक्वल टू न्यू ऑर्डर मॉडल, और टेबल नंबर यहाँ पे है, मेरे केस में ईमेल है, ठीक है, मेरे केस में ईमेल है, जो ऑर्डर क्रिएट होगा वो ईमेल से क्रिएट होगा, और आइटम्स के अंदर कार्ट डेटा डॉट आइटम ऐसे करके उठाया था, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अपने वाले को आके चेंज करता हूँ, मेरे वाला केस ये है, ठीक है ना। अच्छा, इसको पहले नहीं करना होगा, एम्प्टी तो बाद में करना होगा ना, पहले सेव करूंगा मैं फिर एम्प्टी करूंगा, ठीक है ना, वरना मसला होगा। तो सेव करवाने के लिए अब इस तरह से करना पड़ेगा हमें कि उसको हटा के मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँ पूरा, और ऑब्जेक्ट रख के इसके अंदर एक तो ईमेल रखवा दूँ हाथ से, उल्टे पुलटे बटन पर, मेरा ये यूजर कार्ड नाम है ना इसका, तो मैंने कहा आइटम्स equal to user card dot items, ठीक है। आइटम्स का तो मैंने मसला हल कर दिया, और इसमें क्या किया था मेरे पास, ईमेल थी, इसमें भी यूजर कार्ड से ही उठा के मैं दे देता हूँ सारी चीजें डॉट ई मेल, ठीक है। क्रिएटेड ऑन भी खुद से बन जाएगा। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, क्रिएटेड ऑन भी पहले से लगा हुआ, तो क्रिएटेड ऑन कौन सा वाला चला जाएगा, जब उसने कार्ट स्टार्ट किया होगा जब वाला चला जाएगा, तो क्रिएटेड ऑन मैं नहीं दूंगा उसको, वो खुद से क्रिएट करेगा अभी बात। अच्छा, ईमेल दे दिया, कस्टमर का नाम, ठीक है, ईमेल, कस्टमर का नेम मैं कहां से दे रहा हूं, यूजर कार्ड से उठाया डॉट कस्टमर नेम, ये दो चीज दे दी मैंने। अच्छा, अब नीचे देखता जाता हूँ, आइटम्स मैंने एज इट इज दे दिए उठा के। अच्छा, आइटम्स के अंदर भी ऑब्जेक्ट आईडी मौजूद है, बट आई थिंक ये इशू नहीं कर रही है,
ठीक है, क्वांटिटी आइटम्स के, हर आइटम के अंदर क्वांटिटी मौजूद है ना, सही, हर आइटम के अंदर अपनी क्वांटिटी मौजूद है। होपफुली अब जो है इसको सही काम करना चाहिए। अच्छा, कार्ट मॉडल जो है मेरा, कार्ट मॉडल की स्पेलिंग यही है, सिर्फ कार्ट है हमारे केस में, क्या है, सिर्फ कार्ट है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कार्ट, ये एम्प्टी मैंने शुरू में नहीं करवाया था, लेकिन वहां से मैंने कोड कॉपी कर लिया तो एम्प्टी भी करवा देते हैं। डॉट अपडेट वन, ईमेल चेक करे वो, और ईमेल चेक करने के बाद वो क्या करे, आइटम्स जो है उसके, उसको एम्प्टी कर दे। तो इस तरह से हमारा कार्ट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सेम अपसर्ट इसमें ट्रू है, लेकिन अपसर्ट ट्रू लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा से इसकी टेस्टिंग करते हैं। ओपन मलिक रेस्टोरेंट, चेक आउट, अच्छा चेक आउट इसने बोला। अब मैं उसको कहूंगा यस आई एम श्योर, यस आई एम श्योर, ऑर्डर इज कंप्लीटेड, थैंक यू। ठीक है, मतलब हमारा कोड इस दफा सही चल गया है। अच्छा, कार्ड जो प्रिंट होना था वो प्रिंट हो गया है कार्ड, लेकिन मेरे ख्याल में प्रिंट करने की भी हमें जरूरत नहीं थी। आप डेटाबेस में जाके देखते हैं कि ऑर्डर मॉडल में ऑर्डर आ चुका है कि नहीं आ चुका है। ऑर्डर मेरा आ चुका है यहाँ पर, सही है। ऑर्डर में क्या है, सेम उसी तरह आइटम्स मौजूद हैं जैसे मेरे कार्ट में मौजूद थे। क्वांटिटी भी आ गई, सब कुछ आ गया, नाम भी आ गया, ईमेल, कस्टमर नेम, सब कुछ आ गया यहाँ पे। क्रिएटेड ऑन में अभी का डेट और टाइम आया, ठीक है, 19 जनवरी और 15:18 ये 15:18 इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जीरो पे लगाया हुआ है। हम बैठे हैं +5, तो जो जहां पे बैठा हुआ होगा उसके हिसाब से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। जब हम इसको डेट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ना जावास्क्रिप्ट में, तो जो जिस रीजन में बैठा हुआ होगा उस रीजन के हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम इस फॉर्मेट में सेव करते हैं, जीरो पे, +-0 पे, GMT 0, या उसको हम जो उसको ईपोश मिलीसेकंड्स भी कहते हैं, उस फॉर्मेट में भी हम सेव करते हैं। कभी भी हम ये नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का टाइम उठाया और पाकिस्तान के टाइम को बगैर कुछ लिखे सेव कर दिया। जब भी मैं डेटाबेस में सेव करूंगा, मैं पाकिस्तान का टाइम उठाऊंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा, मैं जीरो पे लाऊंगा उसको, जो प्लस है ना 5 उसको माइनस करूंगा और जीरो पे लाके उसको सेव करवा दूंगा। जो जहां से उसको लॉगिन करेगा उसकी रीजन पे, उसके फ्रंट एंड पे जब वो कन्वर्ट होगा तो उसके हिसाब से कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं अपने कार्ट की कलेक्शन को। ये कार्ट मेरा क्या हो जाना चाहिए, अब एम्प्टी हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कार्ट जो है आइटम्स जीरो हो चुका है। कार्ड पूरा डिलीट भी कर सकता था मैं अगर चाहता तो, लेकिन मैं पूरा डिलीट नहीं किया क्योंकि जाहिर है वो कस्टमर फिर आएगा। तो अगर थोड़ा एक दो कार्ड खाली पड़े भी रहे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैंने इस वजह से डिलीट नहीं किया। अब इससे रिलेटेड किसी का अगर कोई सवाल है अभी इस पॉइंट पर तो पूछ ले, इस कोड को मैं कमिट करके इसको खत्म करता हूँ। सॉरी, असल में ये एग्जी अगर मैं नहीं लगाऊंगा ना तो ये मुझे प्रॉमिस नहीं देगा क्यों, और मुझे इसमें चाहिए एसिंक अवेट करके लगाना है। तो एसिंक अवेट असल में प्रॉमिस के साथ ही चलता है। कॉल बैक वाला फंक्शन वो पुराना हो गया ना, कॉल बैक वाली चीज को हम कोशिश करते हैं कम यूज करें। डॉट देन की जगह एग्जी लगा दिया। ये डॉक्यूमेंट में मौजूद है MongoDB के ना सारे तरीके, आप अगर पढ़ेंगे ना तो आप। अच्छा, दूसरा ये कोड भी अवेलेबल है, ये कोड भी आपके पास अवेलेबल है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप कभी भूल जाएंगे डॉट एक्सी कैसे लगता है तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अच्छा, आपके दोस्त वकार हैं, इनके पास प्रॉब्लम आई है बहुत सारी कि भाई जो अटरेंस में लिखा हुआ है एज इट इज बोल रहे हैं तभी वो चल रहा है, कुछ और तरीके से बोल रहे हैं तो वो नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप करके देखना पड़ेगा आपको। ये मसले जब आपके पास आएंगे, ये मसले आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप सीखेंगे। क्योंकि देखो, हर चीज ना बंदा क्लास में पढ़ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ये बात। ठीक है ना, हर चीज आपको क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती। आप सब लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। अच्छा, आपको जिस बंदे ने बाइक सिखाई थी उसने क्या सिखाया था आपको? उसने आपको ये बताया होगा कि यार क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है वरना बाइक बंद हो जाती है या उड़ जाती है, यही सिखाया होगा ना। अब जो करतब दिखाते हो बाइक पे, ये कटिंग है वो कटिंग है, क्या उसने सिखाई थी? ये कैसे आई?
खुद ही आई ना, चला चला के आई, ठीक है ना। तो अब इसको जब इस्तेमाल करोगे ना तो भी शबार्टर बनोगे अलेक्सा के, ऐसे नहीं बनोगे। अब जितनी चीजें पढ़नी थी ना, अपने फंडामेंटल्स जो पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए। अच्छा, अगर हमारे कोर्स का ड्यूरेशन और लंबा होता, ठीक है ना, तो हम इसी तरह की एक दूसरी ऐप देख लेते, कोई उसको भी बना लेते बैठ के यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। ऐसे आते हैं दो डेली, थोड़े सा कोड लिखते हैं, समझते हैं उसको, फिर घर चले जाते हैं। लेकिन मसला ये कोर्स हमारा थोड़ा शॉर्ट है, तो हम इसको यानी यहाँ तक महदूद रखते हैं, मजीद एग्जाम्पल हम बना नहीं सकते, ठीक है। स्टिल हमने कितनी कितनी एग्जाम्पल्स बनाई, एक वेदर ऐप बनाई थी, दूसरी फूड ऑर्डरिंग ऐप बनाई, एक तीसरी भी बनाई है हमने। हेलो हेलो सर, इंट्रो नहीं नहीं इंट्रो इंट्रो तो वैसे ही था वो बच्चों वाला। एक होटल बुकिंग भी हमने थोड़ी सी बनाई थी, डेटाबेस वाला हमने ही पढ़ा, उसमें नहीं बनाई हमने। चलो खैर, कितने उतावले हो रहे हो। नहीं, इनका एक दूसरी प्रोडक्ट है Amazon की, उसका नाम है सिर्फ Lex, L-E-X, वो होती है वेबसाइट पे इंटीग्रेट, लेकिन वो हम इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं कि वो बहुत ही बेसिक है। ये अलेक्सा की ऐप में चलेगी या तो अलेक्सा की डिवाइस पे चलेगी, ये किसी तीसरी जगह पे नहीं चलेगी। हाँ, आप अगर रसबरी पाए पे अपना अलेक्सा भी बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप रसबरी पाए पे अपना अलेक्सा बना लेते हैं तो उस पर भी चलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि है तो अलेक्सा वो एट दैट। तो ये रसबरी पाए दुकान में मिलेगा, नहीं जब हार्डवेयर है ना रसबरी पाए, तुम रसबरी पाए क्या समझे। अच्छा खैर, तुम अलग से गूगल करना कि रसबरी पाए क्या चीज है। रसबरी पाए जो नए जमाने का कंप्यूटर है, छोटा सा होता है इतना सा, ठीक है, जो पहले होते थे ना बड़े बड़े सीपीयू होते थे, अब वो क्या हो गया इतना सा हो गया, और है भी 4-5 हजार का। बिल्कुल नया वाला मॉडल लोगे तो वो 10 हजार का, बिल्कुल छोटा सा कंप्यूटर है। तो उसको एम्बेडेड कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंप्यूटर बना के कहीं पे चिपका देना है ना अगर, तो उसके लिए वो बेस्ट है। मैं बता रहा हूँ कि उस पर भी अलेक्सा, अपनी अलेक्सा भी आप बिल्ड कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं ना कि ये बड़ा सा स्पीकर हो उसके अंदर लगा हुआ और मेरी मर्जी की सारी चीजें उसमें, भाई जाहिर है अलेक्सा के डिवाइस में छोटा सा स्पीकर होता है, आपकी अगर दिल किया आपका कि यार इतना बड़ा स्पीकर हो उसका, ठीक है ना, तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपने साउंड सिस्टम में उसको इंटीग्रेट किया हुआ होता है, रसबरी पाई से बना के ना साउंड सिस्टम में इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ यही है, ठीक है। फिर अलेक्सा के अंदर भी एक ऑक्स की पिन होती है, लोगों ने उस ऑक्स की पिन को लगा के ना अपने साउंड सिस्टम पे किया हुआ होता है इंटीग्रेट, और वो अलेक्सा से बात करते हैं और चलाते हैं। तो मेरे पास गूगल असिस्टेंट में सेम चीज मैंने गूगल असिस्टेंट पे की, क्योंकि गूगल असिस्टेंट क्या होता है ब्लूटूथ पे कनेक्ट हो जाता है, तो मैं वो मेन मेरा साउंड सिस्टम है, वो टीवी के साथ भी कनेक्ट होकर चलता है, मोबाइल के साथ भी, मैं कोई अगर सॉन्ग चलाना है मुझे तो उस पर चला देता हूँ, तो वो हाँ वो सब चीजों से कनेक्ट होकर चलता है, ठीक है। तो ये नए जमाने के स्पीकर हैं, नए जमाने के सॉल्यूशन हैं, वरना पहले क्या होता था, जो मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने सिस्टम्स किए हैं वो छोटे छोटे स्पीकर लाते हैं बोस के, उसके साथ एम्पलीफायर लगाते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके लगाते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें ब्लूटूथ नहीं होता, उसमें बहुत सारे मसले हैं, वो लैपटॉप से केबल लगा के कनेक्ट होकर चलता है। अगर मैं सिर्फ एक सॉन्ग चलाने के लिए लैपटॉप खोलूं केबल लगाऊं उसमें, इतना बड़ा बेवकूफ। ऑक्स केबल से चलता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होकर, उसमें ब्लूटूथ वगैरह की, अभी वो बिल्कुल नए वाले जो उसमें एयरप्ले वगैरह और ये चीजें आ गई, मगर वो बिल्कुल नए वाले हैं भी बड़े कॉस्टली। अच्छा भाई, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा रिएक्ट। कौन ये बताएगा कि रिएक्ट क्या चीज है, आप क्या समझते हैं, सवाल ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग का कि रिएक्ट क्या चीज है। तो पता ही चला कि वेब एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट पे लोग। अब मेरा सवाल ये है कि भाई HTML पे भी तो बन जाती है ना, फास्ट हो जाती है, नहीं फास्ट तो खैर नहीं होती। Thank you.
अच्छा तो बिल्कुल आप सब लोगों ने सही बताया कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का काम क्या होता है, आपके काम को आसान कर देना। जो बड़े बड़े फंक्शन उसके अंदर पहले से लिखे हैं, जो आप कॉल करते हैं आपके सारे काम हो जाते हैं। अच्छा लेकिन इतना भी आसान नहीं करता, स्टिल आपको टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ऑन अदर एंड अगर आप लाइब्रेरी को इस्तेमाल ना करें, आप HTML, अच्छा है वो भी HTML CSS ही सारी है, वो कोई नई चीज नहीं कर रहे, वो भी सेम वही चीज है। लेकिन अगर आप उस फंक्शंस को इस्तेमाल ना करें, लाइब्रेरी वो जो हेल्पफुल लाइब्रेरी है उसको आप इस्तेमाल ना करें, तो आपको सेम काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। बस वो सारे काम जो आप रिएक्ट पे करते हैं वो रिएक्ट के बगैर भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, रिएक्ट के बगैर वो सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और इतना ज्यादा लगेगा कि लाइट ईयर्स का डिफरेंस है दोनों में, कि जैसे एक मेरे सामने गूगल का पेज खुला हुआ है इस वक्त, तो ये जो गूगल का पेज है ना सिर्फ, इसके अंदर जो जो फीचर्स मेरे सामने नजर आ रहा है कि एक सर्च इंजन है, कि शॉर्टकट बना हुआ है, ये बना हुआ है इसके अंदर, फिर अकाउंट्स का सारा सिस्टम हुआ हुआ है, ये चीज अगर मैं बगैर लाइब्रेरी को इस्तेमाल किए हुए मैं चाहूँ कि यार मैं वनीला HTML CSS पे बनाऊं, तो मुझे शायद महीनों लग जाए। और यही काम अगर आप लाइब्रेरीज के थ्रू और जो आपके पास हेल्प मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए करें, तो शायद आपको 2-3 दिन लगे या एक हफ्ता लग जाए बहुत ज्यादा, ठीक है, महीनों नहीं लगेंगे आपको इसके। तो ये महीनों का और दिनों का फर्क है कि एक हफ्ता और एक जगह महीनों, यानी कि महीनों का मतलब है 12 महीने, साल भी आपको लग सकता है, सही है, उसको बनाने में फिर उसको अपडेट भी करना पड़ता है। चीज बनना मसले का हल नहीं है सर, बना तो कोई भी देगा, लेकिन बनने के बाद फिर उसको चलाना भी तो है ना। यानी आमतौर पर जो डेवलपर होता है वो ये समझता है कि चीज बन गई तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक उसका एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है, जब आप डेवलपर बन जाते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि भाई सिर्फ बनाना नहीं है, उसको आगे चलाना भी होता है, ठीक है, उसको इस काबिल भी बनाना होता है कि उसको लोग यूज कर सके, फिर वक्त के साथ साथ उसको थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी उसमें करनी पड़ती है, जरूरत होती है, ताकि वो फैशन उसका आउट ऑफ फैशन ना हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, वो लोग नहीं अपडेट कर रहे उसको। जैसे अब ये डार्क मोड है, देखो ये गूगल में डार्क मोड पहले तो नहीं था, ये तो उन्होंने अभी ऐड किया, अगर ये डार्क मोड ऐड ना करें तो क्या होगा, लोग गालियां देंगे, मजबूरी है उनकी गूगल यूज करना, यूज भी करेंगे और साथ साथ गालियां भी देते रहेंगे, यूज भी करते रहेंगे। अच्छा फिर एक चीज है ये डार्क मोड, अगर इस तरह की जो और चीजें आती चली गई और इन्होंने वो एक भी अडॉप्ट नहीं की, तो अल्टीमेटली कोई दूसरा आएगा, वो सारे फीचर देगा, सारी शिफ्ट हो जाएगी, वहां पे खत्म हो गया, आउट ऑफ बिजनेस हो गया, खत्म, ठीक है ना। तो ये जैसे अब डार्क मोड है, जो नई जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, अच्छा पहले मोबाइल फोन में भी डार्क मोड का ऑप्शन नहीं होता था, ये तो बाद में गूगल वालों ने बम फोड़ दिया कि भाई डार्क मोड से बैटरी बचती है, बेवकूफ़ी की बात है, वैसे कुछ ऐसी 5-10% डिवाइसेज जिसमें बैटरी बचती है, सब में नहीं बचती, ठीक है ना, वो चलो एक फैक्टर है, लेकिन उसने बम फाड़ दिया ना, उसने बम फाड़ दिया कि डार्क मोड में करोगे ना तो बैटरी 50% आपकी ज्यादा चलेगी, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, 0% सच्चाई है, वो सिर्फ उनके फोन में था, डिफरेंस था, और वो भी एक खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी OLED करके, ऑर्गेनिक LED, उसमें वो होता है फर्क, क्योंकि उसमें हर डॉट पे इंडिविजुअल LED लगी होती है, तो जो पार्ट ब्लैक होता है ना उसकी LED कम्प्लीटली ऑफ होती है, वो LED ऑफ होने की वजह से जाहिर है पावर बच रही होती है, ठीक है, तो सिर्फ उस स्पेसिफिक में, लेकिन उन्होंने बम फाड़ दिया, मार्केट में हाइप बन गई, लोगों ने कहा भाई डार्क मोड हमें चाहिए, तो ना चाहते हुए भी जो जैसे अब एप्पल है वो OLED इस्तेमाल नहीं करता, वो उनकी कोई दूसरी, तो उसमें इतना कोई खास फर्क नहीं है, जैसे अब ये है इसमें भी पता नहीं कोई दूसरी टेक्नोलॉजी OLED नहीं है, जितने भी लैपटॉप हैं किसी में भी OLED नहीं है, जितने भी ये मॉनिटर हैं किसी में OLED स्क्रीन नहीं है, ठीक है ना, फोन भी जो महंगे वाले हैं उसमें, वरना आमतौर पर जो चाइनीज वेंडर हैं जो 20-25 हज़ार के 40 हज़ार के जो फोन है उसमें OLED थोड़ी ना, तो बड़ी महंगे पैनल होते हैं उसके, तो वो सैमसंग वगैरह के फोन में होते हैं जो 70-80 हज़ार के, लाख रुपए के फोन है, लेकिन लोगों ने डिमांड किया, देना पड़ा सबको, सबने दिया, फेसबुक से लेके गूगल से लेके जीमेल से लेके और यहाँ तक के लिंक्डइन और फिर पूरा गूगल ड्राइव के जो पूरा था सबने ले लिया, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है कि भाई एक बार आप सॉफ्टवेयर बन गया ना तो आपको साथ साथ उसमें चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, चाहे उसका कॉस्ट कुछ भी, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं की ना और प्लेन लिख दिया है तो कोड आपका इतना ज्यादा कचरा हो जाता है कि उसको बाद में अपडेट करना एक आजाब जान लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन
ये कोई भी चीज बनाए, आपने नोट किया कि हमने जो अलेक्सा का बैकएंड लिखा उसमें हमने एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया और एक्सप्रेस के साथ उन्होंने खुद एक अडॉप्टर बना के दिया हुआ था एक्सप्रेस अडॉप्टर, वो हमने इस्तेमाल किया। हालांकि अगर हम ना भी इस्तेमाल करते हैं तो जेसन भी मौजूद है डॉक्यूमेंट में, वो जेसन रिस्पॉन्स भी देता वो भी चलता, ठीक है, आसान भी होता वो नस्बत, लेकिन लाइब्रेरी से नस्बतन मजीद आसानी हो जाती है, बहुत सारी चीजें बड़ी शॉर्ट हो जाती है, टाइम बचा देती है। अच्छा अब जनाब हमारे पास जो है ना लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में भाई ऐसा फर्क है जो जिसपे लोग आज तक लड़ रहे हैं, क्यों जानना है तुम्हें ये फर्क? बताता हूँ क्या डिफरेंस। अच्छा ये भाई आर्टिकल है, इसको लिखा है डेव सीडिया ने। अच्छा पहले मैंने जब देखा ना मुझे लगा ये मर्द है डेव सीडिया, फिर मैंने बहुत से देखा ना इसको, मैंने कहा नहीं यार ये तो औरत है, ठीक है। इधर उधर इसके मैंने इंटरव्यूज देखे ना, मैंने कहा अबे ये तो औरत है, मैं इसको मर्द समझ रहा था। अच्छा फिर एक दफा मैंने जाके ना विकिपीडिया पे देखा, मैंने कहा भाई ये तो वाकई मर्द है, ठीक है। तो ये कुछ मर्द और औरत के दरमियान का कोई सीन है इसमें, बहरहाल ये सीन है। तो खैर ये मजाक की बात थी, मगर इसने जो भी ट्यूटोरियल लिखा है ये बड़ा अच्छा लिखा, रिगार्डलेस इसके कि ये मर्द है या औरत है, ट्यूटोरियल अच्छा है तो हम उस पर तवज्जो देंगे। अच्छा भाई अब इसके इससे जरा पूछ लेते हैं कि रिडक्स रिएक्ट क्या चीज है, ये क्या बता। अच्छा कह रहे हैं कि रिएक्ट इज अ यूआई लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक, ठीक है। आज हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह कल से हम हेलो वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे, थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्रिएटेड बाय फेसबुक, अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज कर दिया लाइब्रेरी, तो अब ये आपके दोस्त का सवाल कि लाइब्रेरी में और फ्रेमवर्क में क्या फर्क। लाइब्रेरी क्या होती है, फंक्शन पढ़ा है ना हमने जावास्क्रिप्ट का, फंक्शन बहुत सारे फंक्शन को जमा कर देते हैं एक जगह, जैसे बुक्स को जमा कर देते हैं तो बुक्स की लाइब्रेरी बन जाती है, फंक्शन को जमा कर देते हैं फंक्शन की लाइब्रेरी बन जाती है। आप एक फंक्शन को कॉल करेंगे, जो उसके पैरामीटर है वो देंगे, जो रिटर्न है आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एवरेज का फंक्शन है, मैथ के बहुत सारे फंक्शन है, स्क्वायर रूट, तो मैथ की बहुत सारी लाइब्रेरी मौजूद है इसमें, वो सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये है लाइब्रेरी कि जिसमें आप फंक्शन एक एक करके कॉल करते हैं और डिपेंड नहीं होती आपकी कोई दूसरी चीजें उसके ऊपर। ऑन अदर हैंड फ्रेमवर्क जो है उसकी डेफिनेशन, एक क्लासिकल डेफिनेशन जो बताई जाती है यूनिवर्सिटीज में, वो ये बताई जाती है कि फ्रेमवर्क कहता है कि डोंट कॉल मी आई विल कॉल यू, ठीक है। लाइब्रेरी में तो ये होता है ना, हम लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, लाइब्रेरी का फंक्शन उठाया कॉल कर दिया चल गया वो। फ्रेमवर्क कहता है कि डोंट कॉल मी आई विल कॉल यू। तो फ्रेमवर्क को हम क्या करते हैं कि कोड अपना लिखते हैं पूरा, किस जुबान में लिखते हैं, जिस जुबान में फ्रेमवर्क ने हमें बताया उस जुबान में वो कोड लिखते हैं। वो जावास्क्रिप्ट से मुख्तलिफ हो सकती है, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आमतौर पर जावास्क्रिप्ट में चलती नहीं है, उसमें वो भी हो सकता है। वो हम कोड लिख के हम फ्रेमवर्क को दे देते हैं कि ये लो भाई ये कोड आ गया। अब फ्रेमवर्क मेरे उस कोड को, पूरे कोड को कॉल करेगा, ठीक है। तो ये अपोजिट एक फर्क हो जाता है। अब इससे बहुत सारे लोग इसके हुजम पे भी बात करते हैं कि नहीं यार जो ज्यादा बड़ी अगर लाइब्रेरी उसको भी हम फ्रेमवर्क कह सकते हैं, तो कहते हैं नहीं भाई फ्रेमवर्क का फिर क्या मतलब हुआ। फ्रेमवर्क पे तो आप फ्रेम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं भाई, एक फ्रेम है ना, आपने देखा होगा अक्सर वो एक फ्रेमवर्क के उस पर स्प्रे मारते हैं तो पीछे छप जाता है, वो चौकिंग में अक्सर होता है मर्दाना कमजोरी के इश्तेहार वगैरह, उसी को जल्दी से ऐसे रखा फ्रेम, ऐसे स्प्रे मारा बस छप गया। अब वो जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है ना, जो पटाती हुई भी है, वो बगैर फ्रेम के थोड़ी स्प्रे करेगा तो आएगा, वो तो फ्रेम चाहिए ना उसको। अब वो बगैर फ्रेम के, अब वो चाहे नहीं यार स्प्रे को मैं थोड़ा ऐसे करीब करके मैं यूं करूं तो हो जाएगा, वो वही नहीं, कभी भी नहीं होगा। उसमें तो उन्होंने प्रॉपर एक डिजाइन बनाया हुआ है जिसपे स्प्रे मारते हैं तो वो उतना छप जाता है बाकी रह जाता है, ठीक है ना। या आपने अक्सर वो भी देखा होगा, एक
मुंह पे जो झंडे बनाते हैं वैसे रखते हैं वो पूरा फ्रेम सा, और कलर मारते हैं तो झंडा पीछे खुद ही छप जाता है, ठीक है ना, तो स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं उसको। तो वो काम जो है वो बगैर फ्रेम के तो कर ही नहीं सकता उसको, हो सकता है कर भी ले लेकिन टाइम फिर ज्यादा लगेगा, और वो फिर समझ रहे हो ना बात की डिपेंडेंसी हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि जो फ्रेमवर्क है, अब इसमें मुख्तलिफ राय है लोगों की, लेकिन जो सबसे ज्यादा मानी जाती है, सबसे ज्यादा मोतबर है वो यही है, और पढ़ाया भी यही जाता है कि फ्रेमवर्क क्या कहता है कि यार आई विल कॉल यू, फ्रेमवर्क पे आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इनके ख्याल में, डेव सीडिया के ख्याल में, ये लाइब्रेरी है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना यूआई लाइब्रेरी, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, ये इसने मतलब शुरू में ही अकड़ गया है कि मैं समझता हूँ कि लाइब्रेरी है। यानी जो भी बंदा बुक्स लिखते हैं ना, जो लोग बुक वगैरह लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू वो चाहते हैं उसमें बहुत डोमिनेंट रहे। अच्छा, ये आम लोगों को समझ में भी नहीं आता, जब कोई बंदा पढ़ेगा ना वो कहेगा अच्छा बेटा उसकी टीम में है ये, ठीक है ना। आमतौर पर जो जो मौलवी होते हैं वो किसी भी किताब को पढ़ते हैं ना, वो तो वो पढ़ते ही दो तीन लाइन पढ़ के बताते हैं अच्छा ये किस कैटेगरी का बंदा है, ये फला फला टीम का बंदा है, ठीक है ना। इसी तरह जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो वो चैनल देखेंगे ना, जैसे ही वो आवाज सुन रहे होंगे पीछे कहीं टीवी चल रहा है, तो वो दो मिनट में बताएंगे अगर ये जियो लगाया हुआ ना, ठीक है, उसको पता चल जाता है। तो ये डोमिनेंट इसने करके लिखा हुआ है कि यूआई लाइब्रेरी है, क्रिएटेड बाय फेसबुक, ऐसा लग रहा है जुमला है, लेकिन उसने थोड़ी तड़ी मारी हुई है। अच्छा, तो लोगों का ख्याल है कि रिएक्ट लाइब्रेरी है, किसी किसी पॉइंट पे आपको ये भी लगेगा कि रिएक्ट क्या है, फ्रेमवर्क है, तो ये तो पूरा कोड हम लिख के दे रहे हैं और रिएक्ट की जुबान में लिख कर दे रहे हैं, लेकिन इसने इसी पैराग्राफ में ना ये इस पे आर्ग्यू किया है, मतलब साइलेंटली इसने आर्ग्यू किया है कि नहीं मैं क्यों इसको लाइब्रेरी किया, समझ रहे हो। तो ये पूरी तड़ी चल रही है शुरू से आते तक, आपको लग रहा है कि अच्छा आर्टिकल है, लेकिन एक तड़ी अलग से चल रही है, वो इनबिल्ट है। अच्छा भाई, तो फेसबुक ने बनाया, फेसबुक ने कब बनाया इसको, अपने इस्तेमाल के लिए बनाया, आपके लिए नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, फिर एक टाइम आया था जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था, जब मैं सीख रहा था, तो उस वक्त एंगुलर के नाम से फ्रेमवर्क था जो गूगल का था, वो भी गूगल ने खुद नहीं बनाया था, गूगल का एक एम्प्लॉय था, वो शाम को आके बैठ के घर पे लिखता था, उसको शौक था फ्रेमवर्क लिखता था, तो गूगल को पता चला कि अच्छा ये कर रहा है, उन्होंने कहा चलो भाई हम फंड करेंगे, पैसे वैसे देंगे, बनाओ, उसने बना लिया वो, ठीक है। सेम फायरबेस वाली कहानी, फायरबेस में भी यही हुआ था, और सेम इसी तरह फायरबेस भी फेल हुआ है, और एंगुलर भी सेम इसी तरह फेल हुआ है। फायरबेस भी किसी दो तीन लड़कों ने बनाया था, इन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, मार्केटिंग हो रही है इसकी, तो आ जाओ भाई हमारे पास आ जाओ, पूरी कंपनी समेत बंदों समेत कर लिया उसको, फिर मैनिपुलेट किया। अल्टीमेटली हुआ ये कि उस पूरे डेटाबेस को फ्रॉम स्क्रैच लिखना पड़ा, उसके बाद भी वो फेलियर अभी भी। तो एंगुलर में भी यही हुआ, वो पूरा भाई बना लिया बंदे ने, टीम उसके अराउंड उसने बिल्ड कर दी, गूगल ने खूब मार्केटिंग की कि भाई ये तो रियल टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग ने कहा यार गूगल इतनी बड़ी कंपनी है इसके बैक पे, तो चलो इसको अडॉप्ट करते हैं। जब बड़ी एप्लीकेशन उस पर बनी तो वो प्रॉब्लमेटिक साबित हुआ, उसमें कुछ ऐसे डिजाइन लेवल के ऐसे प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर जिसका कोई हल ही नहीं था, ऐसे प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर, ठीक है ना। तो बड़ी एप्लीकेशन उस पर बनी नहीं पाई, रिएक्ट में नहीं आया, अभी मैं एंगुलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगुलर जेएस में जब शुरू कर रहा था तो मैंने एंगुलर जेएस ही सीखी, जो उसका क्रैप था ना वही सीखा था गूगल का। तो फिर गूगल को जब लोगों ने गालियां वालियां देनी शुरू की ना कि भाई ये क्या बना के दे दिया, मतलब ये क्या बवासीर बना दिया तुम लोगों ने, तो फिर इन्होंने पहले तो टेप लगाया है ना, डूबती कश्ती ना सुराख हो गया कश्ती में, उसमें टेप लगा रहे हैं कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, अभी अगला अपडेट आएगी ना इसके अंदर हम ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे, ठीक है ना, टेप लगाते रहे। अल्टीमेटली इन्होंने मान लिया कि हमसे भंड हो गया, कोई मसला नहीं है, अब अगला वर्जन आएगा। अब अगला वर्जन उसका कभी भी ना आया। लोगों ने एक साल वेट किया, दो साल वेट किया, तीन साल वेट कर लिया लोगों ने, पूरी इंडस्ट्री पॉज हो गई थी, काइंड ऑफ पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि जेक्वेरी से ये सारे मूव करके इस पे आ गए थे, कुछ लोग वापस जेक्वेरी पे चले गए, कुछ लोगों ने वेट किया, तो काफी इंडस्ट्री जो है ना इससे पॉज हो गई थी, एक बहुत बड़ा बवाल आ गया था लोगों के लिए, ये क्या बात हो गया। कुछ लोगों ने क्या किया कि उसी में ही सॉल्यूशंस निकाल लिए, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज निकाल ली कि यार अगर इसको करेंगे तो ये बचत हो जाएगी, इसको करेंगे ऐसे करेंगे तो बचत हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। अच्छा, इन्होंने जब तीन साल में भी अगला वर्जन नहीं निकाला ना, अगला वर्जन निकाला वो भी इनकम्प्लीट, उसमें ना राउटर था ना कुछ था, बहुत सारी चीजें मिसिंग थी उसकी। तो इस पॉइंट पे ना फेसबुक ने क्या किया, अपना पत्ता फेंक दिया, ठीक है। इन्होंने अपने यूज के लिए बनाया था, इन्होंने कहा चलो यार अब बहुत हो गया, अब इसको ओपन सोर्स करो।
जब रिएक्ट को इन्होंने ओपन सोर्स किया था तो उस वक्त उसकी जो शक्ल थी ना वो आज की शक्ल से 100% मुख्तलिफ है। रिएक्ट जब ओपन सोर्स हुई थी तो उसको वो बहुत ही वाहियात किस्म की चीज थी, सही है ना, उसको देख के गुस्सा आ जाता था मुझे। मैं एंगुलर का आया हुआ बंदा था, एंगुलर बहुत ही आसान लाइब्रेरी, क्योंकि वो जो एम्प्लॉई था वो खुद डेवलपर था, तो उसने डेवलपर की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए ना बड़ा आसान करके बनाया था। डॉलर स्कोप होता था और पूरी दुनिया में वो स्कोप मिल रहा होता था, यानी पूरी एप्लीकेशन में वो स्कोप अवेलेबल होता था, जो मर्जी करते रहो जहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था ना। अब इन्होंने जो बनाया था ना वो फेसबुक ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया था, और इनके होंगे कोई इंजीनियर्स वगैरह होंगे। इसके अंदर ना डेटा का एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम आ गया, तो लोग उससे भी नाउमीद हो गए कि यार ये क्या बकवास। हाँ, डेटा स्टोर का इशू आ गया सबसे पहला, कि मतलब वन वे, एक तो डेटा बाइंडिंग हो तो बाई डिफॉल्ट लेकर आया था ना अपने साथ के वन वे होती है। हाँ नहीं, वो वन वे का इशू नहीं था, वन वे का इशू तो चलो ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने कि भाई इस तरह क्यों, खुद भी तो यूज करते हैं ना घर पे, वो उन्होंने बताया भाई हम ऐसे करते हैं तुम भी कर लो ऐसे। तो लोगों ने कहा भाई डेटा कहीं एक स्टोर होना चाहिए, जैसे एंगुलर में हमारे पास होती थी सर्विसेज, जिसमें क्या होता था जो भी API से डेटा आता था ना सारा, वो सर्विस के थ्रू हमारे पास अवेलेबल हो जाता था हर जगह, तो इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। तो फिर फौरी तौर पर रिडक्स के नाम से कंपनी वजूद में आई, उन्होंने जल्दी जल्दी जो है ना डेटा स्टोर बनाया जावास्क्रिप्ट का, जो इसके साथ इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर वो क्लास इस्तेमाल करते थे, क्लास कंपोनेंट्स, फिर क्लास कंपोनेंट इनको शुरू में लगा ना कि यार क्लास जो है ना कोई बड़ी नहीं, मतलब कोई बहुत आला चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स थे, जब मैंने जिंदगी में पहली बार प्रोग्रामिंग की थी, वेब डेवलपमेंट नहीं उससे भी पहले, जब मैंने जिंदगी में पहली बार प्रोग्रामिंग की तो मैंने सी लैंग्वेज सीखी, तो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है फंक्शनल पैराडाइम, कि फंक्शनल तरीके से इसको लिखते हैं। अभी मुख्तलिफ पैराडाइम है, अब अलग से पढ़िएगा कि ये पैराडाइम क्या होता है, ठीक है। फंक्शनल इंपैरेटिव, ये पैराडाइम इस्तेमाल होता था। अच्छा, फिर जब हम बाद में आए ना यूनिवर्सिटी में पहली दफा मैं घुसा, तो उन्होंने कहा यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अच्छा, जब मैं समझा पता नहीं क्या होगा, जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा ये तो पैराडाइम सिर्फ दूसरा है, बाकी काम तो सारा वही हो रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, फंक्शन नहीं बनाओ, क्लासेस बनाओ, ठीक है, अलग से वेरिएबल बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, क्लासेस बनाओ, सबको एक जगह इकट्ठा करो। तो इन्होंने कहा ये होता है। अच्छा, बहुत सारे जो बड़े बड़े, फिर मैंने पढ़ा इंटरनेट पर जाके, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे वो ये कहते थे कि ये रियल लाइफ से ज्यादा करीब है, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परस्पेक्टिव से आसान है, जो एक बंदा 10 लोगों से काम करवा रहा है उसके लिए आसानी है इसमें, तो ये उसकी आसानी के लिए लोग कहते हैं, और सब लोगों का इस पर इत्तफाक है, ठीक है ना, इस बात पर सब लोगों का इत्तफाक है कि इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आसानी होती है बहुत। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी इंक्लूडिंग सी, सी में, फिर सी प्लस प्लस में इन्होंने क्लासेस वगैरह सब दे दी, तो यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सबने सपोर्ट कर दिया। जावास्क्रिप्ट में भी उस वक्त एक्मास्क्रिप्ट का लिखा जा रहा था वो, तो एक्मास्क्रिप्ट जब लिखी जा रही थी तो उन्होंने भी क्लास वगैरह ना इसमें सब कुछ ऐड कर दिया, उन्होंने कहा भाई सब क्लास दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अच्छा, ये फेसबुक वाले थे सियाणे, इन्होंने कहा यार हम क्लास को इस्तेमाल करेंगे ना अपने पास, यानी लगे कि भाई कोई मतलब लेटेस्ट चीज है, क्लास इस्तेमाल हो रही है इसमें, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर बचपन से करते हुए आ रहे थे, वो करते हुए आ रहे थे फंक्शनल इंपेरेटिव सी लैंग्वेज वाला, इनको क्लास हजम नहीं हुई, उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास है। मतलब क्लास में क्या होता है कि वो कंस्ट्रक्टर होता है, फिर कंस्ट्रक्टर से भी पहले की एक चीज होती है, फिर कंस्ट्रक्टर के बाद की एक चीज होती है, मतलब बड़ा वाहियात किस्म का है। ये सी में भी होता है, सी शार्प में भी होता है, सब में होता है कि कंस्ट्रक्टर चलने से भी पहले कुछ एक चलता है, फिर बाद में चलता है, पता नहीं क्या होता है, अजीब। तो जावास्क्रिप्ट का जो डेवलपर था ना, उसने इस पे काम करने से कर दिया इनकार। जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ने कहा भाई ये क्या लाके दे दिया, ये हमसे नहीं हो रहा है। तो फिर जो है ना, इन्होंने कहा कि चलो भाई कोई मसला नहीं है, हम वापस आ जाते हैं पीछे, अभी क्लास को छोड़ के फंक्शनल वाले पे आ जाते हैं। फिर इसमें ये हुक्स वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें मौजूद नहीं थे आजकल, जो अभी तो आप लोग पढ़ेंगे सारी चीजें एक एक करके। अच्छा, तो आज से 5 साल 6 साल या 8 साल पहले जो रिएक्ट थी, जो फेसबुक ने बनाई थी, ये वो रिएक्ट नहीं है, ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अच्छा, अब फेसबुक क्या ये वाली कर रहा है या वो जो ओरिजिनल थी वो कर रहा है, वो हमें फेसबुक ने बताया नहीं कि हम अपडेटेड, हो सकता है अपडेटेड वाली कर रहा हूँ, हो सकता है वही पुरानी कर रहा हूँ, गॉड नोज। लेकिन अब हमें
वो पीछे वाली रिएक्ट को देखने की भी जरूरत नहीं है। हम कौन सी देखेंगे जो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट है? अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास वाला नहीं है। कुछ जगहों पे, कुछ पुराने लाइब्रेरीज की डॉक्यूमेंटेशन में क्लास वाले पे एग्जाम्पल दी हुई होती है, बट क्या होता है कि हम फिर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टैक ओवरफ्लो पे लोगों ने बताया होता है कि भाई इसको फंक्शनल में कैसे यूज करेंगे, ठीक है, बट वो कुछ ही एक दो ही है जो अपडेट नहीं किया जिन लोगों ने। बाकी 90% जो लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ है, वो फंक्शनल कंपोनेंट पे मूव हो चुके हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि खासियत है इसकी रिएक्ट की। वो सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये ना मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब क्या है, और इसी बात पे ना इसको ये आर्ग्यू कर रहा है कि ये लाइब्रेरी है। लोग जो रिएक्ट को, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये लाइब्रेरी है, उसका रीजन यही है कि ये मॉड्यूलर है। आपकी एप्लीकेशन अगर जेक्वेरी की भी है ना, तो आप उसके एक पार्ट में रिएक्ट लगा सकते हैं। अब वो हम कवर नहीं करेंगे इसमें कि एक पार्ट में कैसे लगाते हैं, हम तो पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन पॉसिबल है। अच्छा, फिर अगर आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है तो उसके किसी एक पार्ट को आप रिएक्ट से अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट की एप्लीकेशन के किसी एक पार्ट को आप चाहते हैं इसमें रिएक्ट ना हो, उसमें जेक्वेरी हो या कोई दूसरी चीज हो, तो वो भी कर सकते हैं। हम वो कवर नहीं करेंगे स्टिल, लेकिन ये पॉसिबल है। अच्छा, तो मतलब पूरी एप्लीकेशन आपकी ना रिएक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती। आप कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, आप कहते हैं इस पे चलेगी रिएक्ट, बाकियों पे नहीं चलती, तो उसी पे चलती है। तो आमतौर पर रिएक्ट की उसमें हम एक ही एलिमेंट बनाते हैं, उसी को बताते हैं रिएक्ट पे चलेगी। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ यू आर फेमिलियर विद HTML, यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, कह रहा है कि, अच्छा एक लाइन मैंने मिस कर दी, इट हेल्प्स यू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। अब ये इंटरेक्टिव कौन बताएगा कि इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन क्या होती है? इंटरेक्ट का क्या मतलब है? एक जगह बना के डिफरेंट पेजेस, लोडिंग टाइम कम होगा, इंटरेक्ट का मतलब अभी तक मुझे सही नहीं बताया, बात करना होता है ना इंटरेक्ट का मतलब, ठीक है। इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जिसपे बंदा ना कुछ कर सके, मतलब बटन क्लिक करे ना कुछ हो। एक वेब एप्लीकेशन वैसी भी होती है कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा होगा, बस आओ स्क्रॉल करो चले जाओ, खत्म। एडवर्टाइजमेंट होती है, स्क्रॉल करो, तस्वीरें देखो, चले जाओ। इंटरेक्टिव क्या होती है कि बंदा उस पर कुछ क्लिक करे, कुछ साइन अप कर ले, कुछ कुछ फोटो ऐसे बनी हुई हो उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करे तो अगली फोटो आ जाए, कुछ कुछ इंटरेक्शन करे, कुछ बटन बटन प्रेस करे, ठीक है ना। मैं इस लैपटॉप से क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे ऐसे माउस पैड पे ऐसे ऊपर नीचे करता हूँ तो ये ऐसे स्क्रॉल होता है, तो ये मैं इस लैपटॉप से क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ। अभी मैं तुम लोगों से क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ। तो ये इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया गया। ये सीधे सीधे वेब पेजेस के लिए तो HTML CSS भी चलेगी, मसला नहीं है वो। अच्छा, इफ यू आर फेमिलियर विद HTML, यू कैन थिंक ऑफ कंपोनेंट एज अ फैंसी कस्टम टैग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कंपोनेंट से ये मिलके बना। कंपोनेंट क्या चीज होती है, कह रहा है HTML के जो एलिमेंट होते हैं ना, आप समझे कि कंपोनेंट असल में वही है। HTML का जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें उसका नाम कंपोनेंट रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, दैट्स प्रीटी मच व्हाट दे आर, रीयूजेबल, अ बिट ऑफ कंटेंट and behavior that can be put on the web page. सही है। A component is written in a plain JavaScript function. अब ये वाली जो बात है ना, ये आपको अपने गिरा से बांध लेनी है। A component is written as a plain JavaScript function. Component जो है वो plain JavaScript है। पहली नजर में आपको लगेगा कि नहीं JavaScript नहीं है, लेकिन ये खुद प्रूफ करेगा कि वो JavaScript है। And that is real JavaScript here. कह रहा है कि real JavaScript यहाँ इस्तेमाल हो रही है। जावास्क्रिप्ट की कुछ ऐसी चीजें जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते लोग, वो इसमें इस्तेमाल होती है, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। नॉट अ टेम्पलेट लैंग्वेज, ये टेम्पलेटिंग की कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर किसी ने जे एक्सप्रेस के अंदर एक होता है EJS, वो अगर किसी ने पढ़ा है, किसी ने PHP पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है कि आप वेब पेज पूरा बनाते हैं, उसके बीच में टेम्पलेट लगा देते हैं, ठीक है, कि डेटाबेस से डेटा आएगा, यहाँ रख के पूरा पेज उठा के भेज। तो वो अगर किसी को टेम्पलेट का नहीं पता तो वो इग्नोर करे इस बात को। तो ये कोई टेम्पलेटिंग नहीं है, ये प्रॉपर पूरा क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट सपोर्ट अ स्पेशल सिंटैक्स कॉल्ड JSX। अब वो जावास्क्रिप्ट आप लिख रहे किस जुबान में, JSX की जुबान में लिख रहे हैं। ये स्पेशल सिंटैक्स है, लेकिन है क्या ये जावास्क्रिप्ट? अच्छा, विच लुक्स लाइक HTML बट इट टर्न्स इनटू रियल जावास्क्रिप्ट कोड बाय कंपाइलर। अब ये बात बड़ी अहम है,
जो आपको समझना जरूरी है रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले, कि जो जेएसएक्स है ना वो जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप एचटीएमएल लिख रहे हैं, लेकिन आप असल में क्या लिख रहे होते हैं? जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। अच्छा, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिख दें जो रिएक्ट ने बताई है, या तो उसका जो सिंटैक्स है ना जेएसएक्स वो भी लिखते हैं। बात एक ही है, वो अभी आते हैं उसके ऊपर, हम उसमें आते हैं। तो ये जो JSX है ना, ये कह रहा है कि ये क्या है, स्पेशल सिंटैक्स है लेकिन जावास्क्रिप्ट। तो आप JSX में भी लिख सकते हैं जो दिखने में HTML की तरह है, और आप JSX में ना लिखे ना, अगर आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं तो भी सही है, एक ही बात है, फर्क नहीं है दोनों। अच्छा, बट इट टर्न्स इनटू रियल जावास्क्रिप्ट कोड बाय कंपाइलर। ये JSX जब आप लिखते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब मुझे जरा सोच के आप ये बात बताएं कि अगर आपको एक बटन ऐड करना है स्क्रीन के ऊपर, आपको HTML लिखने की इजाजत नहीं है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट लिखने की इजाजत है, तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल सही, सब लोगों ने बताया। JSX तो खैर अभी ये नहीं है, अभी सिर्फ प्लेन HTML CSS की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशन के ना तरीके मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट। आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कुछ भी लिखेंगे वो अपेयर हो जाएगा। अब मैंने कहा बटन बनाना है, तो बटन आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इस तरह कुछ होता है, बटन को क्रिएट करूंगा मैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी लूंगा और फिर क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा बॉडी के अंदर। ये सबने करके देखा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बॉडी के अंदर अपेंड करूंगा मैं, वो बटन शो हो जाएगा। तो पता ये चला कि जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए मैं सारी HTML की चीजें बना सकता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए मैं सारी HTML की चीजें बना सकता हूँ। और इफेक्ट ये है कि HTML असल में कोई चीज भी नहीं है, HTML असल में क्या है, कोई चीज नहीं है। आप इस चीज को बहुत गौर से समझें, प्रोसेसर किस चीज को समझता है? बाइनरी को समझता है, ऐसा ही है। आपने HTML लिखी, क्या होता है फिर? अच्छा, शुरू में सुनने में ऐसा लगता है, क्योंकि HTML मार्कअप लैंग्वेज है, कि भाई आपने कोई टेक्स्ट था, मार्कअप किसको कहते हैं हम, कि किसी चीज को हाईलाइट कर दें, हाईलाइटर लगा दूं मैं येलो कलर का, सही है, किसी को अंडरलाइन कर दूं मैं, किताब है पढ़ते में कुछ भी लगाता रहा मैं, तो वो मार्कअप्स लगा रहा हूँ, किसी चीज को मार्क कर रहा हूँ, मैंने कुछ वर्ड मुश्किल वर्ड थे मार्क कर दिए, भाई मुश्किल है ये, इसको मैं याद करूंगा, उस तरह करके। तो मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब ये कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें मैंने H1 लगा दिया तो वो खुद ही बड़ा होकर दिख जाएगा, किसी में मैंने इटैलिक लगा दिया तो वो खुद ही इटैलिक होकर दिख जाएगा, मार्कअप लैंग्वेज है। सुनने में ऐसा लगता है कि भाई जब मैं HTML लिखूंगा तो वो डायरेक्ट ब्राउजर पे जाके रेंडर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर को HTML का क्या पता, प्रोसेसर तो समझता है बाइनरी, या अगर थोड़ा हम हाई पे जाए उससे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फिर बाइनरी कन्वर्ट होता है, फिर प्रोसेसर समझता है। तो मतलब ये हुआ कि प्रोसेसर क्या समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, मार्कअप लैंग्वेज तो नहीं समझता प्रोसेसर। तो जब हम HTML लिखते हैं और CSS लिखते हैं, CSS हमने नहीं पढ़ा लेकिन HTML और CSS अक्सर साथ में ही लिख रहे होते हैं लोग, तो वो सारा कुछ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो प्रोसेसर को कहा जाता है कि भाई ये आई है चीज, इसको हम रेंडर करो। अच्छा, इसका जो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसको वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट को आप कहते हैं ना कि गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, और उसको आप प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पर, तो वो प्रिंट हो जाता है। और वो प्रिंट किस सूरत में होता है, ऑब्जेक्ट की सूरत में, उस पर वैल्यू कैसे गेट करते हैं आप, डॉट वैल्यू करके गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इतने में एलिमेंट मिल गया, अब उस पर डॉट वैल्यू, डॉट कलर, डॉट स्टाइल, ये सब चीजें आपको मिल रही होती है। तो ये तो जावास्क्रिप्ट हो गया ना, ये तो जब उठाते हैं उसको तो ऑब्जेक्ट की सूरत में आता है। तो असल में पता ये चला कि जावास्क्रिप्ट ही चल रही होती है ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं समझता। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या कहा रिएक्ट वालों ने, रिएक्ट वालों ने ये कहा कि यार
हम ना सारा काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के ऊपर रहते हुए अगर मैं बटन क्रिएट करूं तो ये काम निस्बतन फास्ट है। ऑब्वियस बात है कि मैं HTML लिखूंगा वो कन्वर्ट होगी, तो बजाय इसके मैं डायरेक्ट अगर जावास्क्रिप्ट लिख दूं तो फास्ट हुआ ना, वो तो लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाएगा लेकिन एक पूरा फेज माइनस हो जाएगा कि मैं HTML लिखता था पहले और वो HTML कन्वर्ट होती थी जावास्क्रिप्ट में और फिर ब्राउजर को वो समझ आती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कहूँ ना कि क्रिएट बटन और अपेंड बटन और ये सब, तो ये तो कोड फास्ट हो जाना चाहिए मेरा इससे, और होता भी है कोड फास्ट। ठीक है, अच्छा फिर इन्होंने ये कहा, तो ये जो लिखा है ना इसने, बट इट टर्न्स इनटू रियल जावास्क्रिप्ट बाय कोड कंपाइलर, तो वो किस किस्म की जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती होगी ये आपके समझ आए कि जब आप JSX लिखते हैं तो वो असल में आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, असली जावास्क्रिप्ट में। मिसाल के तौर पर आपने अगर H1 लिखा है JSX में तो वो H1 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डॉम डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 क्रिएट करके और फिर अपेंड किसमें, कहीं भी अपेंड डिस्प्ले हुआ, तो इस तरह से ये चल रहा होता है पीछे। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा मजीद आगे पढ़ते हैं। A web page is made up of component laid out in nested tree structure. Web page किसमें बना हुआ होता है, tree structure में, कि एक HTML का टैग होता है एलिमेंट, उसके अंदर फिर हेड होता है, बॉडी होती है, फिर बॉडी के अंदर मजीद चाइल्ड होते हैं, तो ये ट्री एक तरह बनती जा रही है। ठीक है, एक पेरेंट के 3, 4, 5, 6 चाइल्ड होते हैं, फिर हर चाइल्ड के मजीद चाइल्ड होते हैं, तो ये ट्री ऐसे बनती चली जा रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को अगर किसी ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। जस्ट लाइक HTML एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, के HTML एलिमेंट के अंदर जैसे दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं, इसी तरीके से रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर भी दूसरे कंपोनेंट हो सकते हैं। सही है, क्योंकि इसने शुरू में ही कह दिया है कि यार जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं कंपोनेंट भी सेम वही है, फर्क क्या है इसमें, उसमें HTML कन्वर्ट होती थी जावास्क्रिप्ट में, इसमें डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिखा, ये दोनों में फर्क है। अच्छा, अब इससे अभी ये अभी आसानी कहां पे क्रिएट हो रही है वो आप ढूंढ रहे होंगे कि यार आसानी कहां क्रिएट हो रही है, अभी वो बात डिस्कस ही नहीं, अभी ये कोर कॉन्सेप्ट्स बता रहा है, प्रिंसिपल्स बता रहा है कि किस प्रिंसिपल पे ये पीछे काम कर रहा होता है, अभी ये वो बात कर रहा है, अभी ये बता नहीं रहा कि आसानी कहां क्रिएट हो रही है, वो तो हम जब करेंगे तो हमें वो भी बहुत बाद में पता चलेगा कि अच्छा यहां आसानी क्रिएट हो रही है। शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगेगा कि यार अच्छा खासा आसान काम था, HTML के सीधे सीधे पेज बनाते थे, किस बवाल में डाल दिया, शुरू में तो ये फील होगा, ये पूरी मतलब अगली 4-5 क्लासे आपको फील हो गई, लेकिन उसके बाद जब आप एक्चुअल ऐप बनाने बैठेंगे ना तो फिर आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये अगर ये नहीं होती तो ये बनता कैसे। मतलब जब मैं शुरू में, मुझे अच्छी तरह याद है इसी क्लास की शुरू में जब मैं आपको सिर्फ HTML और CSS के साथ जब बनाने देता था ना, तो मैं खुद ही सोच रहा होता था ये बनेगी कैसे, क्योंकि मेरी आदत किस पे है, फ्रेमवर्क पे काम करने की, तो मुझे बड़ी मुश्किल से मैं सोच पाता था कि अच्छा ये इस तरह बना। ठीक है, आप लोग निस्बतन बेहतर सोचते थे मुझसे क्योंकि आपने देखा ही वही डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये बात है। अच्छा, बट दीज कंपोनेंट्स आर फंक्शंस, रिमेंबर दे कैन बी पास्ड डेटा टू डिस्प्ले। कह रहा है कि ये कंपोनेंट जो है वो एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट हो सकता है, मगर ये कंपोनेंट एट द एंड है क्या, एक कंपोनेंट एक फंक्शन है, कंपोनेंट मेड अप ऑफ प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, तो क्या हो सकता है कि इसको डेटा पास किया जा सकता है कि अंदर डिस्प्ले किया जाता है, और फंक्शन के अंदर सारी चीजें जो होती है वो सब इसमें हो सकती है। फंक्शन इज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ जावास्क्रिप्ट, कोई प्लीज बता सकता है, रिमाइंड करवा सकता है, फर्स्ट क्लास सिटीजन हमने क्या डिस्कस किया था? नहीं, सबसे पहले तो रन नहीं होता। मैंने एक स्टेटमेंट दी थी शुरू के दिनों में जब हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, वो कोड में आपके मैंने कमेंट में लिख भी दिया था बल्कि, कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप नहीं बताए, करो गूगल करो सारे मिल के जल्दी बताओ, तुम बताओ तुम्हें नहीं आता, मैं समझा तुम्हें पता होगा, गूगल करो सारे गूगल करो, फर्स्ट क्लास सिटीजन क्या होता है, Thank you.
क्या ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट जब मैं ये कह रहा हूं कि फंक्शन आर फर्स्ट क्लास सिटीजन इन जावास्क्रिप्ट, तो इसका क्या मतलब है? इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। जो फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है उसकी क्या पहचान है? तीन क्वालिटी होगी कि उस चीज को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर पाऊं, किसी फंक्शन के अंदर उसको पास कर पाऊं और किसी फंक्शन से एज अ वैल्यू उसको रिटर्न कर पाऊं। तो फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूं? किसी दूसरे फंक्शन में एज अ वैल्यू पास कर सकता हूं और किसी फंक्शन से एज अ वैल्यू फंक्शन को रिटर्न कर सकता हूं और किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, कुछ दूसरी ऐसी लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिसमें फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर नहीं किया जा सकता। फंक्शन एक अलग एंटिटी है, जैसे सी लैंग्वेज है उसमें फंक्शन को आप वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। फंक्शन फंक्शन है, वो बनेगा अपने नाम से बनेगा और उसी नाम से कॉल होगा, उसके साथ कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने बात की है ना कि दीज कंपोनेंट आर फंक्शंस, तो ये जो क्योंकि कंपोनेंट फंक्शन है तो कंपोनेंट भी क्या हो गया? फर्स्ट क्लास सिटीजन हो गया। कंपोनेंट जो है वो फंक्शन है क्योंकि एट द एंड, तो वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है। तो कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हैं? किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं आप। क्या जावास्क्रिप्ट में आप ये काम कर सकते थे एचटीएमएल में कि मैं H1 को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूं और बार बार उसको मैं जहां भी रखूं वहां आ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं आप? किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपोनेंट में एज अ वैल्यू पास कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट भी क्या है? फंक्शन है। तो एक कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हैं। ये जस्ट अभी वोकैबुलरी समझे, आप वो करके देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये अब करके देखेंगे। तो एक कंपोनेंट को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, एक कंपोनेंट को किसी दूसरे कंपोनेंट में या फंक्शन में या वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं या पास कर सकते हैं, और किसी फंक्शन से कंपोनेंट को रिटर्न करवा सकते हैं, जो कंपोनेंट फंक्शन है, किसी फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं उसको। ठीक है, किसी दूसरे कंपोनेंट से रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर आ जाती हैं जब आप ये समझ लेते हैं कि ये कंपोनेंट क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन होने की वजह से फर्स्ट क्लास सिटीजन है, और फर्स्ट क्लास सिटीजन के साथ जो जो होता है वो सारा एक कंपोनेंट के साथ हो सकता है। ठीक है जी, वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर, अब 15 मिनट और पढ़ लो, ये खत्म कर लेते हैं थ्योरी, ये थोड़ी सी एक दो बात है, ये हम पढ़ के निपटाते हैं। अच्छा, इसका जो डिफाइनिंग फीचर है वो कह रहा है वन वे डेटा फ्लो है। अब वन वे डेटा फ्लो का मतलब क्या है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी बात, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। ये वन वे डेटा फ्लो जब हम पढ़ेंगे ना तो उस टाइम ये कहानी समझा दूंगा, क्योंकि देखो वन वे और टू वे इसने उन लोगों के लिए बताया जो उससे होकर आएगा। आपने तो एंगुलर किसी ने भी नहीं पढ़ी, तो आपके लिए ये मैटर भी नहीं करता कि ये चक्कर क्या है। आप जो अभी ये डायरेक्ट वो पढ़ेंगे तो पीछे की कहानी समझने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, ना भी समझे तो चलेगा। ठीक है, तो ये पूरी इसने वन वे डेटा फ्लो की कहानी सुनाई है। अच्छा, फिर ये कह रहा है रिएक्ट इज अ ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग इंटरेक्टिव यूआई, इट इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ एंड हैज बीन फॉर फ्यू इयर्स। कह रहा है अभी भी पॉपुलर है, पिछले कुछ सालों से बड़ा पॉपुलर चल रहा है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन फ्रंट एंड, तो ये आपके लिए चीज है, आप इसको सीखें अगर आप करियर अभी बिल्ड करना चाहते हैं तो। ठीक है, अच्छा, व्हाई यू शुड नो बिफोर लर्निंग रिएक्ट, व्हाट यू शुड नो, इसके प्रीरिक्विजिट्स वगैरह बता रहा है कुछ इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड है। अच्छा, प्रीरिक्विजिट एक दफा जरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रीरिक्विजिट बता रहे हैं ना उसमें आप में से बहुत सारे लोग ना बड़े वीक हैं, और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप थोड़े वीक हैं। किस चीज में वीक हैं? लर्निंग प्रीरिक्विजिट आर बोरिंग और रिएक्ट बिल्डर, रिएक्ट लाइब्रेरी इज ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट लाइब्रेरी किस पे बनी हुई है? जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। जावास्क्रिप्ट के बारे में किसी ने ये कहा है, अभी मैं किसी की क्लिप देख रहा था, वीडियो क्लिप, उसने जिक्र किया था, किसी का नाम भूल गया किसका था, तो वो किसी शख्स ने जिसका मैं नाम भूल गया, उसने ये कहा है कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है इस वक्त राइट नाउ कि अगर कोई काम ऐसा है जो जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है करना, जावास्क्रिप्ट में वो पॉसिबल है करना, तो इवेंचुअली वो जावास्क्रिप्ट में होगा वो काम। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो सी शार्प में लिखी हुई है या पाइथन पे लिखी हुई है, मशीन लर्निंग है ना, सारी पाइथन पे लिखी हुई है लाइब्रेरीज, जावास्क्रिप्ट में नहीं है,
लेकिन बकौल उस बंदे के कि वो जावा स्क्रिप्ट में अगर वो चीज पॉसिबल है ना तो वो इवेंचुअली पाइथन में तो लिखी हुई है, जावा स्क्रिप्ट में लोग उसको रीराइट करेंगे, लिखेंगे लोग उसको, ठीक है, और वो आपके सामने है अभी टेंसर फ्लो डॉट जे एस को आए हुए 2 साल हो गए और अब वो बिल्कुल फंक्शनल है, प्रॉपर चल रहा है। हाँ, बट ये कि वो मशीनों की बात है कि हर मशीन पे वो नहीं चल पाता क्योंकि रिक्वायरमेंट्स उसकी ज्यादा होती है थोड़ी, लेकिन ये कि ब्राउजर पे वो पूरी मशीन लर्निंग ब्राउजर पे इस वक्त चल सकती है, पूरी मशीन लर्निंग जो है ब्राउजर के ऊपर चल रही होती है, मतलब मशीन लर्निंग नहीं, लर्निंग तो गैर बनाने के फेज में होगी, यानी बनने के बाद उसका मॉडल निकलता है, जो एक्चुअल एआई होती है जो प्रिडिक्शन कर करके बता रही होती है उसको मॉडल कहते हैं। तो वो जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो पूरा जावास्क्रिप्ट में हो सकता है काम, सही है ना, वो चीजें आ चुकी हैं मार्केट में। तो आप टेंसर फ्लो डॉट जेएस लिखेंगे तो उसने 4-5 एग्जाम्पल भी बताई है कि आप हाथ ऐसे यूं करेंगे ना कैमरे के आगे तो वो बता देगा कि मुट्ठी बंद है, आप टू करेंगे तो बता देगा कि टू किया हुआ आपने, प्रिडिक्ट कर लेगा वो देख कर, ठीक है, फोटोज के जरिए उन्होंने पीछे को ट्रेनिंग की हुई है। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जावास्क्रिप्ट में थोड़े से वीक हैं, ठीक है, तो आपको इस पॉइंट पे ना जो भी चीजें आपको आती जा रही हैं बहुत अच्छे से उसको समझने की जरूरत है। जावास्क्रिप्ट अगर आपकी वीक रह गई तो बहुत मसले होंगे आपके लिए। अच्छा, एक और बात, जो जावास्क्रिप्ट हमने सर्वर में इस्तेमाल की थी ना उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें इतनी इस्तेमाल नहीं होती, वो रिएक्ट में ज्यादा इस्तेमाल होती है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं एक दो, जैसे टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में किसी और जगह पे इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना रिएक्ट में इस्तेमाल होता, ठीक है। फिर आपके जो लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन जो एरो फंक्शन है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो ये चीजें आपको गौर से समझनी पड़ेगी थोड़ी। अच्छा, तो ये अब इसकी बात क्या कह रहा है कि अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर लाइब्रेरीज दे आर जस्ट सेट ऑफ फंक्शंस, कह रहे हैं कि दूसरी लाइब्रेरीज क्या होती है, बहुत सारे फंक्शन को एक जगह करके लाइब्रेरी का नाम दिया हुआ, इसमें ऐसा नहीं। कह रहे हैं रिएक्ट हैज इट्स ओन जेएसएक्स सिंटैक्स दैट गेट मिक्स इन। अब यहां पे भी देखो ये आर्ग्यू कर रहा है कि जेएसएक्स इसमें है जो उसकी अपनी अपना इसका एक लिखने का अंदाज है, एक अपना सिंटैक्स है। विदाउट सॉलिड ग्रेस्प ऑफ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इट कैन बी हार्ड टू टेल which part of code are reacting and which part of code is just JavaScript। कह रहे कि आपको जब तक JavaScript अच्छी तरह नहीं आती होगी ना, आप कोड को देख के ये बताना आपके लिए मुश्किल होगा कि कौन सा पार्ट JSX है और कौन सा पार्ट JavaScript है, ठीक है। अच्छा, JSX भी जब कंपाइल होगा तो अल्टीमेटली वो भी JavaScript में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो कोड में लिखा हुआ है वो JSX है, तो आपको ये बताना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ultimately it turns into a jumble mess in your head and it's hard to know what to google। अच्छा, कह रहा है कि आप इस पॉइंट पहुंच जाएंगे कि आपको ये नहीं समझ आएगा कि मैं गूगल पे क्या लिखूं जाएगा, गूगल पे मैं क्या लिखूं जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा आपको। React will be much easier if you learn plain JavaScript first। हमने plain JavaScript सीख लिए, लेकिन आप में से कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग मैं ये समझता हूँ कि वीक है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जहां जहां पे जावास्क्रिप्ट वाली चीज आएगी वहां पे मैं उसको रिवाइज भी करवाता जाऊंगा आपकी पीछे वाली जो जावास्क्रिप्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं उसको, ठीक है। अच्छा, तो अब ये एक एग्जाम्पल भी दे रहा है कि एन ऑफिल लॉट ऑफ हाउ टू डू एक्स इन जावास्क्रिप्ट। कह रहे हैं आप जब गूगल पे जाके देखेंगे ना कि क्वेश्चन लोगों ने क्या पूछे हैं स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे कि हाउ टू डू एक्स या कोई भी बात इन रिएक्ट, कि कैसे रिएक्ट पे ये काम किया जाए, तो कह रहा है वो एक्चुअल में ना जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन होते हैं और एचटीएमएल के क्वेश्चन होते हैं जो लोगों को समझ रहे होते हैं कि रिएक्ट की चीज है ये, ठीक है ना, वो रिएक्ट की चीज नहीं होती, वो जावास्क्रिप्ट की चीज होती है, जो लोग समझ रहे होते हैं रिएक्ट स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इसने बनवाया हुआ है, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड आप बना के, ठीक है, और इसको आप चाहे फायरबेस पे होस्ट करें, चाहे गिटहब में होस्ट करें, किसी भी जगह पे इसको आपने होस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, आप सब लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक जुमला लिखना है कि ये रिएक्ट की पहली एप्लीकेशन है और अपना नाम के जो मिसाल के तौर पर इमरान ने क्रिएट की है, ऐसे दिस इज द फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएटेड बाई इमरान, जो भी इमरान तो नहीं मेरे ख्याल कोई आप में से है तो इमरान, अरे क्या बात है यार, मतलब अब्बू चेंज कर लिए मस्ती के लिए। अच्छा, तो ये जो है इसने हेलो वर्ल्ड बनाया हुआ है, बहुत ही आसान है,
ये आर्टिकल है, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ये आप खुद भी लिखेंगे ना डेव सीडीआई 2020 तो ये आपको मिल जाएगा। ये जो क्या कहते हैं रीडमी की फाइल है ना आपकी रिपोजिटरी के अंदर, इसमें मैं लास्ट में ये इनरोल, अच्छा ये इनरोल स्टूडेंट की ना लिस्ट भी मैंने कल लॉन्च कर दी है, तो इनरोल स्टूडेंट से पहले ठीक है मैंने कहा कि रिएक्ट आर्टिकल, ठीक है यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है तो ये पुश हो जाएगा कोड, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और यहाँ से देखने के बाद ये हेलो वर्ल्ड जो इसने प्रिंट करवाया हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड आपने करना है ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम कल इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल को इतना मुश्किल नहीं है। और इसके साथ ही ये जो योर टर्न वाली चीज है, ये योर टर्न में जो ये बता रहा है कि आपने ये करना है, अगर ये भी आप करके उसमें पुश कर दें तो फिर क्या ही अच्छी बात है ठीक है। लेकिन एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड सारे लोग कर लें, और होस्टिंग रिक्वायर्ड है, होस्टिंग के बगैर आपका कोई भी असाइनमेंट कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, होस्टिंग आपको लाजमी करनी है, चाहे वो गिटहब में करें आप, चाहे वो फायरबेस में करें, एक नेटलीफाई के नाम से भी उसमें भी कर सकते हैं, और सर्ज है वो भी बड़ा आसान है करने के अतबार से ठीक है। तो ये चार पांच प्लेटफॉर्म है, किसी पे भी होस्टिंग कर देना। नहीं समझ में आया गूगल करना कि हाउ टू होस्ट रिएक्ट एप्लीकेशन ऑन फला फला एप्लीकेशन, या रिएक्ट फायरबेस, कोई भी जो भी है, होस्टिंग लाजमी करनी है सबने, क्योंकि होस्टिंग करोगे शुरू में मेरा तरीका ये होता है पढ़ाने का कि हेलो वर्ल्ड बनवाते ही उसको होस्ट करवा देता हूँ, यानी आखिरी लेवल तक पहुंचा देता हूँ एक, क्योंकि छोटे स्केल की कंप्लीट एप्लीकेशन बना लेते हैं फिर उसी को हम बड़े स्केल पे लेकर चल जाते हैं। हमने HTML में भी ऐसे ही किया, एक CV बनाई उसको होस्ट किया डायरेक्ट, हमने JavaScript में भी ऐसे ही किया, सर्वर लिखा हमने, सर्वर को डायरेक्ट होस्ट किया ठीक है। हमने अलेक्सा में भी ऐसे ही किया, अलेक्सा की एप्लीकेशन बनाई उसको हरिको पे होस्ट कर दिया, पब्लिश हो गया वो। अब हम रिएक्ट में भी यही करेंगे, रिएक्ट की छोटी सी एप्लीकेशन बना के होस्ट कर देंगे, उसका URL मिल जाए, कोई भी क्लिक करे वो एप्लीकेशन खुले, और उसके बाद जितनी भी हम एक ही बनाएंगे, एक्चुअली हम चैट एप्लीकेशन बना के हम फॉरन मूव कर देंगे, हमारी मुश्किल से 3 या 4 क्लासेस होंगी रिएक्ट की जो हम करेंगे ठीक है। उसके बाद हम डायलॉग फ्लो भी बनाएंगे, उसको भी हम क्या करेंगे पब्लिश कर देंगे फॉरन, उसी रिएक्ट चैट एप्लीकेशन में डायलॉग फ्लो लगा के उसको भी पब्लिश करेंगे ठीक है, हरी को भी पब्लिश होगा। तो ये तरीका है मेरा पढ़ाने का कि फॉरन फॉरन पब्लिश करो ठीक है जी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात रहेगी आपसे। पांच फ्री एप्लीकेशन, 5 है रिपोर्ट, दूसरे अकाउंट बना लो।